हमारी भारत भूमि की दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक आदि आदि। और धरती पर जो जैसे अपराध को करता है, परिणाम स्वरूप उसको उसी नरक को भोगना पड़ता है। पूछा ना परीक्षित ने नर का नाम भगवन किम देश विशेषा भागवत में, सुखदेव जी ने वर्णन भी कर दिया। अब मैं नरकों के बारे में तो ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कहने से कोई लाभ नहीं है। मरने के बाद हम तो पहले ही सबके नाम के आगे स्वर्गीय लगा देते हैं, तो नरकों की कथा क्या समय खराब करने के लिए कहूं? हाँ, इसलिए आप पढ़ लेना भागवत में। महाराज वर्णन कर दिया 28 प्रकार के नरकों का। अब परीक्षित को लगा भय, शमीक के गले में मृत सर्प को डाला, कहीं मुझे नरक का मुख ना देखना पड़े। कहा, गुरुदेव नरक का मुख ना देखना पड़े, इसका कोई उपाय है क्या? राजन प्रायश्चित करना होगा। देखो आजीवन कोई सत्य को बोले तो उसे नरक का मुख नहीं देखना पड़ता, आजीवन कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसको नरक का मुख नहीं देखना पड़ता, लेकिन ये सभी प्रायश्चित अत्यंत कठिन है। मेरी दृष्टि में सबसे सरल प्रायश्चित है केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो जीवन में करता है उसे स्वप्न में भी नरकों का दर्शन नहीं होता, बाद में नरकों के दर्शन की बात क्या? भगवान के नाम में क्या सामर्थ्य है परीक्षित, एक छोटी सी कथा कहता हूं, ध्यान से सुन लेना। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पते रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्यह संसर्ग दूषितः। बहुत समय पूर्व कान्यकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण वास करते थे जिनका नाम था अजामिल। हमारे उत्तर प्रदेश में कान्यकुब्ज नगर को ही वर्तमान में कन्नौज के नाम से जाना जाता है, जहां का इत्र संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ये कान्यकुब्ज नगर में वास करते हैं ब्राह्मण अजामिल। धर्मपत्नी इनके घर में, माता पिता इनके साथ वास करते हैं, लेकिन जब जीवन की दिशा बिगड़ जाती है तो दशा को भी बिगड़ने में समय नहीं लगता। प्रत्येक व्यक्ति की दशा को देख करके उसके जीवन की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक समय प्रभु का चिंतन करना, ना जाने जीवन कब बिगड़ जाए, सावधान रहना। एक दिन ब्राह्मण अजामिल नदी में स्नान करके लौट रहे हैं, एक सुंदर वैश्या को देख लिया। आंख और कान से काम शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए आंखों से मेरे गोविंद का दर्शन करना और कानों से भगवान की कथा को सुनना। वैश्या पर आसक्त हो गए, विवाह का प्रस्ताव रखा। वैश्या को भी लगा कि ब्राह्मण अजामिल के पास बहुत धन संपत्ति है, सो इसने विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वहीं गांधर्व विधि से विवाह हो गया और महाराज गणका को लेकर के अजामिल अपने घर में आए। इस गणका को प्रसन्न करने के लिए अपनी धर्म पत्नी को भी त्याग दिया अजामिल ने, माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया। अब देखो जीवन की दिशा बिगड़ी तो दशा तो बिगड़नी ही है। अज अर्थात परमात्मा से ये अमिल हो गए और अजा अर्थात माया से ये मिल गए, यही अजामिल के नाम का अर्थ है। अगले दिन माला लेकर के बैठे भगवान का भजन करने के लिए, गणका दौड़ के आई, हाथ से माला को छीन लिया। ये माला लेके क्या होगा, अरे मुझे तो धन चाहिए, जाओ जाकर के मेरे लिए और धन लाओ, ये माला वाला करने से क्या होता है। अजामिल की माला तो अब बंद हो गई सज्जन, थोड़े समय में अधिक धन चोरी के अतिरिक्त और कहीं से प्राप्त हो नहीं सकता। गणका को संतुष्ट करने के लिए अजामिल ने अब चोरी करना प्रारंभ कर दिया। महाराज चोरी करते करते अजामिल का हाथ ऐसा खुल गया कि अब तो नगरों को लूटना ही प्रारंभ कर दिया।
और ब्राह्मण अजामिल का नाम हो गया डाकू अजामिल। इसके घोड़ों की टाप सुनकर के नगरों में वास करने वाले लोग अपने घरों के द्वारों को बंद कर लेते हैं। माथे पर काली पट्टी बांध रखी है, लंबे इसके केश, तलवार लेके अश्व पर सवार होकर के नगरों को लूटने के लिए जाता है। जीवन बिल्कुल विकृत हो गया, आचार विचार नियम आदि सब लुप्त हो गए। गणका के गर्भ से 10 पुत्रों की प्राप्ति अजामिल को हुई। एक दिन ये गणका अपने घर के बाहर खड़ी है, पास में से ही कुछ संत निकले, अयोध्या से श्री वृंदावन धाम की ओर जा रहे हैं। नारायण नाम को गाते हुए निकले, नारायण 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 करते हुए। गणका ने सोचा, नारायण, अरे ये कैसा नाम है, चलो अब मैं अपने 10वें पुत्र का नाम ही नारायण रख देती हूं। हाँ, और इस गणका ने विनोद में हंसी में अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। ये नहीं जानती कि इसने अब जो किया है यही नारायण का नाम इसके पति और इसके लिए मोक्ष का कारण बनने वाला है। नारायण नाम की महिमा का ज्ञान नहीं है, लेकिन फल तो मिलेगा ही। यदि अग्नि में हाथ देंगे अग्नि जला देगी, इसका ज्ञान हो तब अग्नि में हाथ दिया अग्नि हाथ को जलाएगी, और यदि इसका ज्ञान नहीं है तब अग्नि में हाथ दिया अग्नि फिर भी हाथ को जलाएगी। ऐसे ही भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कैसे भी भाव से भगवान का नाम लिया जाएगा वो पापों को जला करके भस्म करने वाला ही होगा, उस नाम का फल अवश्य मिलेगा। अजामिल को सर्वाधिक प्रेम अपने 10वें पुत्र नारायण से है, और अपने पुत्र के बहाने अब तो दिन में 40-50 बार इनके मुख से नारायण का नाम निकलता है। अरे बेटा नारायण मेरी बात सुनो, अरे नारायण इधर आओ, अरे नारायण जरा इधर देखो, अरे नारायण मेरे लिए जल लाओ, अरे नारायण मेरा भोजन लाओ, नारायण 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 नाम लेने लगे। अजामिल के जीवन का भी जब अंतिम समय आया तो यमराज ने यमदूतों से कहा, जाओ और दुष्ट अजामिल की आत्मा को शरीर से खींच करके यमलोक में लेके आओ, मुझे उसे दंड देना है। विकराल यमदूत कान्यकुब्ज नगर में अजामिल के घर में आ पहुंचे, पलंग पर लेटा है, इसके शरीर को बांध दिया पलंग के साथ और पाश से इसकी आत्मा को शरीर के बाहर खींचना प्रारंभ किया। विकराल यमदूतों का इसे दर्शन हो रहा है, आंखें बंद खोल होने लगी, जीव मुख के अंदर बाहर होने लगी, पसीने की बूंद चमक मारने लगी, हृदय गति ही दुगनी हो गई, और तब इसने सहायता के लिए दूर खेल रहे अपने 10वें पुत्र नारायण को पुकारा। अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मेरी बात सुनो, अरे नारायण इधर देखो, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, अरे बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण 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 पुकारने लगा। दूरे क्रीडन का सक्तम, क्रीड़ा में आसक्त दूर अपने 10वें पुत्र नारायण को पुकारा, लेकिन पुत्र नारायण के कानों में आवाज ना गई, पिता नारायण के कानों में अजामिल की आवाज पहुंच गई। और भगवान नारायण ने तुरंत अपने पार्षदों को कहा, सुनो लगता है मेरा कोई भक्त संकट में है, जल्दी जाओ उसके प्राणों की रक्षा करो। दौड़ पड़े नारायण पार्षद, अजामिल के घर में आ पहुंचे, यमदूत अजामिल की आत्मा को खींचने में लगे हैं। जब देखा विष्णु पार्षदों ने तो यमदूतों को आकर के रोक दिया और कहा, रुको, अजामिल की आत्मा को नहीं ले जा सकते। क्यों? बोले, हम इसे बचाने के लिए आए हैं। यमदूतों ने कहा, आप हैं कौन, अपना परिचय तो दीजिए। नारायण पार्षदों ने कहा, पहले तुम लोग बताओ तुम कौन हो। कहा, हम तो यमदूत हैं, धर्मराज की आज्ञा अनुसार इस अजामिल की आत्मा को ले जाने आए हैं, हम धर्मराज के दूत हैं। कहा, धर्मराज के दूत हो तो धर्म की परिभाषा जानते होगे, थोड़ा बताओ। कहा, हम जानते हैं ना, वेद प्रणहितो धर्मो यह धर्मस्तत् विपर्ययः, वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुमः।
वेदों ने जिस पर चलने के लिए कहा है उस पर चलना ही धर्म है, वेदों ने जिस पर चलने के लिए मना किया है उस पर चलना ही अधर्म है। वेद साक्षात नारायण है, नारायण ही वेद है, उनमें कोई भेद नहीं है। नारायण ही सनातन संस्कृति के मूल हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा बस जिन नारायण का तुम नाम ले रहे हो हम उन्हीं नारायण के पार्षद हैं। अजामिल को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन क्यों? बोले इसने उन्हीं नारायण के नाम को पुकारा है इसलिए हमको आना पड़ा। कहा नहीं नहीं नहीं, आपको थोड़ी सी गलती हो गई, इसने भगवान नारायण के नाम को ना लिया, दूर जो इसका दसवां पुत्र नारायण खेल रहा है इसने सहायता के लिए उसको पुकारा है। नारायण पार्षदों ने कहा रे पागलों, तुमको नौकरी पर किसने रख लिया? धर्मराज के दूत तो इतना भी नहीं जानते हो? सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघरम विदुः। संकेत में, हंसी मजाक में, पुत्र के बहाने, पौत्र के बहाने, क्रोध में, किसी भी प्रकार से यदि भगवान का नाम मुख से निकलता है तो वो नारायण नाम समस्त पापों को जला करके भस्म कर देता है। निमित्त इसका दसवां पुत्र बना तो क्या, नाम तो नारायण का है जो समस्त पापों को जला करके भस्म करने वाला है, इसलिए हम इसको बचाने के लिए आए। जाओ लौटो यहां से। यमदूतों ने अजामिल की आत्मा को छोड़ दिया और वे यमराज की ओर लौट गए। अजामिल ने पलंग पर लेटे लेटे इन दोनों के संवाद को सुना, तब अजामिल की आंखें खुली और उन्हें समझ में आया कि जीवन किस दिशा की ओर होना चाहिए। भगवान नारायण के नाम की महिमा उनको समझ में आई। नारायण पार्षद भी लौट गए। यमदूत खाली हाथ यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने कहा अरे अजामिल को लेकर के ना आए खाली हाथ? यमदूतों ने कहा कि आप हमारी छुट्टी कर दीजिए, हम अब हम सेवा ना कर पाए। क्यों? बोले ये बताइए, हम तो अजामिल को लेने के लिए गए लेकिन नारायण पार्षदों ने आकर के हमको रोक दिया। हम तो सबसे ऊपर आपका ही स्थान समझते थे महाराज, क्या नारायण आपसे ऊपर हैं? यमराज ने कहा देखो, कभी कभी यमलोक में मैं नेत्र बंद करके भजन करता था, तुम सब पूछते थे आप किसका भजन करते हो, मैं इन्हीं भगवान नारायण का भजन करता था। ये भगवान नारायण मेरे स्वामी हैं और उनके पार्षदों का दर्शन तुम्हें मिला है, तुम सब तो धन्य हो गए। तो महाराज फिर तो ये है कि जीवन भर कोई पाप करे, अपने किसी पुत्र का नाम नारायण रख दे अथवा तो अपने पौत्र का नाम रख दे और हम जाएं इतनी दूर से नीचे, फिर आ जाए नारायण पार्षद, लगा दें फटकार और लौट के हम चले आए हैं। तो इससे अच्छा तो ये है कि 1 तारीख को आप हमारा हिसाब किताब कर लो, हाँ हमको VRS दे दो, हम चले जाएं यहाँ से। का नहीं नहीं देखो, क्रोध मत करो, तुम्हें किसको पकड़ के यहाँ लाना है और किसको नहीं लाना है हम तुमको अभी बताते हैं, ध्यान से सुन लो। कहा बताइए। बोले जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम। जिस मनुष्य की जिह्वा एक बार भी भगवान के गुणानुवाद का गान नहीं करती उसको पकड़ करके यमलोक में ले आना। जरा लिख ही लो ध्यान से। जिस मनुष्य का चित्त भगवान के चरणार बिंद में नहीं लगता उसको पकड़ करके यमलोक में ले आना। जिस मनुष्य का सिर मेरे गोविंद के सामने नहीं झुकता उसको पकड़ करके सीधे यमलोक में ले आना। जो भगवान की कथा नहीं सुनता उसको पकड़ के यमलोक में ले आना। जो भगवान का भजन नहीं करता उसको पकड़ करके ले आना। मनसा वाचा कर्मणा भक्ति का उपदेश किया। जीव से भगवान का नाम वाचा भक्ति, चित्त उनके चरणारविंद में लगना मनसा भक्ति और सिर उनके सामने झुकना ये कर्मणा भक्ति। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तीनों प्रकार की भक्ति का उपदेश किया। यमदूतों से पूछा ठीक से लिख लिया ना? कहा महाराज हमने बिल्कुल बराबर से लिखा। जिस मनुष्य की जीव भगवान का नाम ले लेती उसको पकड़ के यमलोक में ले आए,
जिसका चित्त उनके चरणारविंद में नहीं लगता उसको पकड़ के यमलोक में ले आए, जिसका सिर भगवान के सामने नहीं झुकता उसको पकड़ करके यमलोक में ले आए, अरे जो कथा नहीं सुनता उसको पकड़ करके यमलोक में ले आए। लेकिन महाराज इसमें एक बात तो बतानी पड़ेगी कि जो कथा में सो जाता है उसको उठा करके लाए या ना लाए, हाँ जो कथा में घड़ी देखता है बार बार उसको लाए या नहीं लाए, हाँ थोड़ा बता दो कब आ जाए घड़ी। जो कथा में पड़ोसी के ऊपर गिर पड़ता है उसको उठा करके लाए या ना लाए। कहा कि देखो जो कथा में सो जाता है उसको पकड़ करके मेरे लोक में लेकर के ना आना। क्यों? अरे बोले नीचे भी सोता है ऊपर आएगा यहां भी सो जाएगा, सारी व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। और यदि कहीं भूल से तुम कथा से उठा लाए किसी को ले लिया यहां पर गोविंद का नाम, तो मेरी तो सारी बनी बनाई व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। इसलिए जो कथा में सोता है उसको वहीं सोने दो, अरे कम से कम पंडाल तो भर जाएगा। इसलिए जो कथा में सोता है उसको हमारे पास ना लाना। महाराज दिव्य उपदेश किया यमदूतों को यमराज ने, और मनसा वाचा कर्मणा भक्ति की महिमा कही। अजामिल ने शेष जीवन सब कुछ त्याग करके गंगा किनारे नारायण का भजन करके अंत में उनके ही धाम को प्राप्त कर लिया। इसके बाद ददीची ऋषि की अस्थियों से बने वज्र के द्वारा देवराज इंद्र ने वृत्तासुर नाम के राक्षस का वध किया। ये कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कही। नारायण कवच की महिमा का बोध कराया राजा परीक्षित को। तब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवन भगवान नारायण भेदभाव क्यों करते हैं? कैसा भेदभाव? बोले मैं कई कथाओं में यह सुन चुका हूं कि वे देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को मार देते हैं। अरे समह प्रिय सुहृद ब्रह्मन, उनके लिए तो सभी समान रूप से प्रिय हैं, फिर ये भेदभाव वे क्यों कर देते हैं? भगवान सुखदेव ने कहा, राजन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है भगवान उसी रूप में उसको प्राप्त हो जाते हैं। देवता स्वामी मान के स्मरण करते हैं तो भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं। दैत्य शत्रु मान करके चिंतन करते हैं भगवान उनका उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। अब अंत में प्राप्ति तो दोनों को ही भगवान की होगी। यदि लोहा पारस मणि को तोड़ने के लिए भी उसके ऊपर गिरेगा तो पारस मणि के स्पर्श से वो सोने के रूप में ही बदल जाएगा, चाहे लोहे की भावना कुछ भी हो। भगवान के लिए सभी सम हैं, लेकिन अपनी भावना से भगवान वैसे ही प्राप्त होते हैं। तुमने जो प्रश्न किया परीक्षित, यही प्रश्न राजसु यज्ञ में तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर जी ने अपने बगल में बैठे हुए देवर्षि नारद से किया। राजसु यज्ञ में श्री कृष्ण की प्रथम पूजा हो इस प्रस्ताव का विरोध किया शिशुपाल ने, और चुन चुन करके इसने 100 गालियां दी मेरे गोविंद को। भगवान मौन रहे और जब 101वीं गाली दी तो मेरे गोविंद ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर को काट दिया। इसके देह से एक दिव्य ज्योति निकली, मेरे गोविंद की परिक्रमा लगाई और उनके चरणों में विलीन हो गई। शिशुपाल को सायुज मुक्ति मिली तो युधिष्ठिर जी को आश्चर्य हुआ, जो चुन चुन करके भगवान को गाली दे रहा था उसको ये मुक्ति मिलना जो ऋषियों को दुर्लभ है। तब बगल में बैठे नारद जी से प्रश्न किया, ऐसा क्यों हो गया? नारद जी ने कहा, देखो राजन शिशुपाल चुन चुन करके गाली तो दे रहा था लेकिन किसको? श्री कृष्ण को। शत्रु मान करके चिंतन तो कर रहा था लेकिन किसका? श्री कृष्ण का। बोले बस उसी चिंतन से इसको सायुज मुक्ति की प्राप्ति हुई है। राजन शिशुपाल के रूप में ही नहीं हिरण्यकशिपु के रूप में भी इसने भगवान से द्वेष किया और भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा इसका उद्धार करने के लिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, जरा संक्षिप्त ये कथा सुना दीजिए, का ध्यान से सुनना, हाँ कहीं छूट ना जाए कथा।
सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहने लगे और सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहने लगे। कश्यप और दिति के दो पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान नारायण ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यपु के कानों में अपने भाई की मृत्यु की सूचना जब पहुंची तो ये प्रतिशोध की ज्वाला से जलने लगा और इसने मन में विचार किया कि यदि नारायण को मार दूं तो अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा कर लूं, लेकिन नारायण के पास तो सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र को मैं तभी जीत सकता हूं जब मुझे अमर होने का वरदान प्राप्त हो जाए। तो चलो मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूं, उनसे अमरता के वरदान को प्राप्त करूं और नारायण का वध करके अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध पूरा करूं। आज मुल्तान की भूमि पर इसका दिव्य महल बना है। हिरण्यकश्यपु अपने महल से निकल करके मंदराचल पर्वत की घाटी में आया। महाराज अपने एक ही पैर के अंगूठे के ऊपर खड़ा हो गया, दोनों हाथों को आपस में मिला लिया और श्री ब्रह्मा जी का कठोर तप इसने प्रारंभ कर दिया। तप होने लगा, समय बीत रहा है, अब तो इसका शरीर बिल्कुल सूख गया, केश जटाओं के रूप में बदल गए, लेकिन तपस्या के कारण दिव्य तेज इसके मस्तक से बाहर निकलने लगा। कीड़ों ने आकर इसके शरीर में सुराख कर लिए, शरीर के आर पार निकलने लगे। कुछ कीड़ों ने तो आकर के इसकी अंतड़ियों का भक्षण करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन राक्षस राज की तपस्या ना रुकी। घोर तप हिरण्यकश्यपु का चलता हुआ चला गया। अब तो कुछ ही दिनों में दीमक ने इसके चारों ओर अपना ढेर बना लिया, छोटे छोटे पौधे इसके चारों ओर प्रकट हो गए। कभी आकाश से जल बरसने लग जाता है, कभी सूर्य का प्रकाश पड़ने लग जाता है, लेकिन हिरण्यकश्यपु की तपस्या बंद ना हो। महाराज तप चल रहा है और तपह परम दारुणम, बहुत ही कठिन तप इसने किया। इसकी तपस्या से संतुष्ट होकर के श्री ब्रह्मा जी इसके सामने प्रकट होकर के आए, अपनी शक्ति से इसको पूर्व के समान स्वस्थ कर दिया और कहा, व्यवसायेन तेनेन दुष्करेण मनस्विनाम तपोनिष्ठेन भवता जितो हम दिति नंदन। हे दिति नंदन, तूने अपने कठोर तप से जितो हम मुझे जीत लिया है, इसलिए मांग, मैं तुझे क्या वरदान दूं, बोल। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मैं यही वरदान मांगना चाहता हूं कि आप मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपनी बनाई सृष्टि में मैं किसी को भी अमरता का वरदान नहीं दे सकता, इसके बदले तुम और जो कुछ मांगो तो मैं तुमको दूं। हिरण्यकश्यपु ने मन में विचार किया कि अमरता छोड़कर के अब क्या लूं, लेकिन यदि कान पकड़ना हो तो सीधा हाथ करके पकड़ लो, और यदि सीधे पकड़ में ना आए तो हाथ को घुमा करके कान को पकड़ लो, पकड़ में तो कान ही आना चाहिए। अब सीधे सीधे अमरता का वरदान मुझे मिलेगा नहीं, तो चलो थोड़ा बाबा ब्रह्मा से घुमा करके मांग लो। हाँ, भाषा बदल दी हिरण्यकश्यपु ने और कहा, महाराज हे भगवान, मैं जो मांगूंगा इसके अतिरिक्त मुझे मिलेगा? बोले मांगो। बोले मुझे पहला वरदान दीजिए, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ना अपने महल के अंदर मरूं ना महल के बाहर मरूं, तथास्तु, ना भूमि पर मरूं ना आकाश में मरूं। कहा, तथास्तु, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। कहा, तथास्तु, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहा, तथास्तु, आपके बनाए 12 महीनों में से किसी में ना मरूं। कहा, तथास्तु,
हे ब्रह्मा जी अंतिम वरदान ये दीजिए कि आपकी बनाई सृष्टि में किसी के भी हाथों से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ये भी दिया। हंसने लगा, बस बाबा अब आप पधारो, हो गया काम। ब्रह्मा जी अंतर्धान हुए। अब तो इसने सोचा कि जब इनकी बनाई सृष्टि में किसी के भी हाथों से नहीं मरूंगा तो मैं तो अमर ही हो गया, कौन मारेगा मुझे, कौन है समस्त लोकों में जो हिरण्यकशिपु का संहार कर दे। वरदान के कारण ये शक्तिशाली हुआ, अभिमान में मद में चूर हो गया और मुल्तान की भूमि पर बने अपने महल में लौट करके आया। ये मुल्तान की भूमि आज पाकिस्तान में है जहां इसका महल बना हुआ है। हिरण्यकशिपु संपूर्ण पृथ्वी को कुछ ही दिनों में इसने अपने अधिकार में ले लिया और जब संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में लिया तो इसने ये घोषणा कराई कि मेरे राज्य में, मेरे शासन में कोई भी नारायण का नाम नहीं लेगा। नारायण के जप तप व्रत पर इसने पाबंदी लगा दी और यदि किसी के भी मुख से नारायण का नाम सुना तो परिणाम में उसको मृत्यु दंड की ही प्राप्ति हो गया। महाराज नारायण के नाम पर ही इसने पाबंदी लगा दी। देखो जब तप व्रत यज्ञ अनुष्ठान आदि दान सब बंद हो गए और जब ये सब बंद हो जाते हैं, पाप अनाचार बढ़ता है तो भगवान के अवतार लेने का बीज वहीं पड़ जाता है। भगवान ने कहा है कि यदा देवेशु वेदेशु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। यदि कोई देवताओं से द्वेष करता है, वेद भगवान से द्वेष करता है, गायों से द्वेष करता है, साधु संतों से द्वेष करता है, ब्राह्मणों से द्वेष करता है, सनातन धर्म से द्वेष करता है, धर्मे मयि च विद्वेषः मुझसे नारायण से द्वेष करता है तो सवा आशु विनश्यति, मैं जड़ मूल से उसका नाश कर देता हूं। नारायण नाम पर पाबंदी लगी तो भगवान के अवतार लेने का बीज पड़ गया। सज्जन विप्रधेनु सुर संत हित लीनह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र धेनु सुर और संत इनके हित के लिए ही तो भगवान का अवतार होता है। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु और इसके चार पुत्र हैं परीक्षित, काल्लाद, सनल्लाद, अनुल्लाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। प्रहलाद आयु में तो छोटे हैं लेकिन गुणों में सबसे बड़े हैं राजन। ब्राह्मण भक्त हैं, शील संपन्न हैं, करुणा की मूर्ति हैं, धैर्यवान हैं, जितेंद्रिय हैं और नारायण के परम भक्त हैं। हिरण्यकशिपु ये जानता नहीं है कि जिस नारायण नाम से उसे द्वेष है उन्हीं नारायण का परम भक्त प्रहलाद के रूप में, उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर के आया है। प्रहलाद जी की अवस्था तो 5 वर्ष से ऊपर की हो गई है। हिरण्यकशिपु ने एक बार अपने चारों पुत्रों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर के गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए भेजा। ये चारों शंडामर के गुरुकुल में अध्ययन करके लौट करके आए। हिरण्यकशिपु को इन चारों में प्रहलाद से विशेष प्रेम है। आज प्रहलाद को बुलाया और अपनी गोद में बिठाया। राक्षस राज ने कहा, अरे वत्स प्रहलाद, अब बेटा जल्दी से बताओ गुरुकुल में कौन सी सबसे सुंदर शिक्षा तुम सीख करके आए। लेकिन जो उत्तर प्रहलाद ने दिया हिरण्यकशिपु की तो आंखें खुली की खुली ही रह गई। हाँ, कहा पिताजी मैंने तो गुरुकुल में यही सीखा है कि ये सारा संसार अंधेरे कुएं के समान है। हित्वात्म पातम ग्रह मंद कूपम, इस अंधेरे कुएं से बाहर निकल करके वन में नारायण का भजन करने में ही सार है।
नारायण के भजन की बात जैसे ही कही, महाराज रोंगटे खड़े हो गए हिरण्यकश्यपु के, और प्रहलाद को गोद से उठा करके भूमि पर पटक दिया और कहा, दुष्ट, ये जानते हुए कि नारायण असुर जाति का शत्रु है, मेरे सामने नारायण के भजन की बात करता है। यदि तेरे अतिरिक्त आज ये बात किसी दूसरे ने कही होती तो उसका सिर यहीं कलम हो जाता, लेकिन तू मेरा पुत्र है इसलिए तेरे को अभय देता हूं, नारायण के भजन की बात करता है। शंडा मर्ग को बुलाया और कहा, क्या किया तुम दोनों ने, कैसे पढ़ाया मेरे प्रहलाद को, ये नारायण भजन की बात करता है, असुर जाति में उत्पन्न बालक को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, क्या तुम दोनों इस चीज को भूल गए। शंडामर्क ने कहा, महाराज हमने तो कभी इसके सामने प्रहलाद का नाम ना लिया, नारायण नाम तो हमने इसके सामने ना लिया कभी, हमें नहीं पता कि नारायण नाम की बात इसके कानों में किसने कही। हिरण्यकश्यपु ने कहा, लेकर के जाओ फिर से इसे गुरुकुल और इसको असुर जाति के अनुसार शिक्षा दो। शंडामर्क श्री प्रहलाद को पुनः गुरुकुल लेकर के आए। महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा दी और कहा, प्रहलाद अपने पिता के सामने बेटा नारायण का नाम ना लेना, ये गुरुकुल तुम्हारे पिता की कृपा से ही चलता है, और यदि तुमने भूल से भी अब नारायण का नाम लिया तो तुम्हारे पिता हमारे गुरुकुल को जो सहायता देते हैं वो बंद हो जाएगी, ये गुरुकुल भी बंद हो जाएगा, इसलिए अपना ना सही कम से कम हम दोनों का तो ध्यान रखना। प्रहलाद जी पुनः विद्या अध्ययन करके लौट करके आए। आज हिरण्यकश्यपु ने श्री प्रहलाद जी को पुनः बुलाया, मन में सोचा, अरे मेरा बेटा है, किसी ने कान में नारायण का नाम ले दिया सो इसने मेरे सामने कह दिया, कोई बात नहीं फिर इसकी परीक्षा ले लूं जरा। एकदा सुरराट पुत्रम अंक मारो पिलालयन, बुलाया, वत्स प्रहलाद सुनो, अपनी गोद में बैठाया और सिर पर हाथ फेरा, डरो नहीं भयभीत ना हो, अरे मैं तेरा पिता ही तो हूं, तू मेरा ही तो पुत्र है, मैं तेरा शत्रु नहीं हूं, जल्दी बताओ इस बार गुरुकुल से तुम क्या सीख करके आए। कहा, पिताजी इस बार तो गुरुकुल से नारायण को प्राप्त करने के एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं 9 मार्ग में सीख करके आया हूं, नवदा भक्ति का उपदेश ही अपने पिता को गोद में बैठे बैठे कर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, उपदेश कर दिया। और जब नवधा भक्ति का उपदेश किया, हिरण्यकश्यपु के क्रोध की सीमा ना रही, प्रहलाद को गोद से उठा करके फेंक दिया भूमि पर, ए निर्लज, ए नीच, ए दुष्ट, अब यदि तुझे जीता हुआ छोड़ दिया तो तू मेरे लिए ही संकट का कारण बन जाएगा, यदि अपने शरीर के किसी अंग से संपूर्ण शरीर को संकट हो जाए तो उसको काट करके फेंक देने में विलंब नहीं करना चाहिए, यदि अपना ही पुत्र शत्रु के समान हो तो उसको मारने में विलंब नहीं करना चाहिए, और यदि दूसरे का पुत्र अमृत के समान लाभ पहुंचाने वाला हो तो उसको स्वीकार करने में भी विलंब नहीं करना चाहिए, अब यदि तुझे जीता हुआ छोड़ दिया तो भविष्य में तू ही मेरे लिए संकट का कारण बन जाएगा, मेरे तो 3 पुत्र और हैं, तुझे मार करके संतोष ही कर लूंगा। सैनिकों को बुलाया, कहा ले जाओ इस दुष्ट प्रहलाद को और पर्वत की चोटी से खाई में फेंक दो। सैनिक प्रहलाद जी को घसीट करके पर्वत की चोटी पर ले गए और कहा, देख प्रहलाद नारायण नाम का क्या परिणाम होता है, आ गया ना बेटा तेरा अंतिम समय। उठाया प्रहलाद को और चोटी से खाई के लिए फेंका। प्रहलाद जी महाराज गिरते हुए आए, हे नारायण हे नारायण हे नारायण, तुरंत मेरे प्रभु चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए, बोले नारायण भगवान की जय। अपने हाथों में श्री प्रहलाद जी को भगवान ने संभाल लिया, खड़ा कर दिया और सिर पर हाथ फेरने लगे। हिरण्यकश्यपु ने सूचना सुनी कि सैनिकों ने प्रहलाद को चोटी से पर्वत की खाई में फेंक दिया
तो उत्सव मनाने लगा, प्रसन्न हो गया। हाथ में मदरा का इसने गिलास लिया है, पान कर रहा है, उन्मत्त है। और उसी समय कयाधु कुमार श्री प्रहलाद महल के अंदर प्रवेश करके आए। जैसे ही प्रहलाद को जीवित देखा, हाथ में से तो गिलास ही छूट गया। अरे प्रहलाद, तू जीवित है? सैनिकों को बुलाया, सैनिकों ने कहा महाराज हमने तो इसको फेंक दिया था, पता नहीं कैसे बच गया। कहा कोई बात नहीं, इसको मारने के अनेक उपाय मेरे पास हैं। हाथियों के पैरों के नीचे श्री प्रहलाद को कुचलवाने का प्रयास किया। जिस गजेंद्र की रक्षा नारायण ने की, उनके भक्त पर हाथी अपने पैरों को कैसे रख दें? हाथियों ने अपने महावतों का अंत किया और प्रहलाद को सुरक्षित छोड़ करके चले गए। प्रहलाद को विषपान कराया गया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादुदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। श्री कृष्ण का चरणामृत समझ करके प्रहलाद ने उस विष का भी पान कर लिया, वो विष चरणामृत ही हो गया। सर्पों के कक्ष में लेटाया, लेकिन जो नारायण शेष नाग पर लेटने वाले हैं उनके भक्त को सर्प कैसे डस ले? सर्पों ने प्रहलाद को न डसा, कांटों के ऊपर सुलाया प्रहलाद को। शाखों को तुम क्या छू आए, कांटों से भी खुशबू आए, देखे और दीवाना कर दे शायद उनको जादू आए। कोई तो हमदर्द है मेरा, आप न आए आंसू आए। महाराज भगवान नारायण का स्मरण किया और देखते देखते पूरे के पूरे कांटे फूलों के रूप में बदल गए। होलिका दहन भी हो गया, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। हिरण्यकश्यपु तो चिंतित है कैसे मारे प्रहलाद को। उसी समय शंडामर्क हिरण्यकश्यपु के पास आए और कहा राजन एक अंतिम अवसर हमें दीजिए, हम प्रहलाद को ले जाएं और समझाएं। कहा ले जाओ प्रहलाद को, लेकिन ध्यान रखना यदि इस बार प्रहलाद के मुख से नारायण का नाम निकला तो इसको तो मारूंगा ही, तुम दोनों भी मुफ्त में मारे जाओगे, इसलिए ध्यान रखना इस बार। शंडामर्क लेकर के गए प्रहलाद को गुरुकुल और बारंबार विनती करी, वंदना की, बेटा भूल से भी इस बार नारायण का नाम ना लियो, तू तो जाएगा ही, हम सब तो फ्री में ही चले जाएंगे, हाँ इसलिए थोड़ा हमारा ध्यान रखना। आज असुर बालकों ने प्रहलाद को गुरुकुल के अंदर घेर लिया और कहा प्रहलाद क्यों लेते हो नारायण का नाम? तुम्हारे पिता को जब ये नाम प्रिय नहीं तो जब तुम्हारी वृद्धावस्था आए तब नारायण का नाम ले लेना। प्रहार तुम्हारे ऊपर होता है और पीड़ा हमको होने लग जाती है मित्र, इसलिए ये नारायण का नाम लेना तुम बंद कर दो। प्रहलाद ने कहा कैसी बात करते हो? कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। अरे भगवान की सेवा में जैसे बासी फूल को नहीं चढ़ाया जाता, ऐसे ही वृद्धावस्था में भगवान का भजन करेंगे ये सोचना ही अपराध है। कुमार अवस्था से भगवान का भजन करना चाहिए। ये दुर्लभ मनुष्य देह है, क्षणभंगुर जीवन है, कब समाप्त हो जाए पता नहीं, इसलिए जब से होश संभालें नारायण का भजन करें। मरने के बाद हे असुर कुमारों, ये नारायण का नाम ही हमारे साथ इस लोक से दूसरे लोक जाता है और इस नारायण नाम के अनुसार ही हमारी अगली गति होती है। असुर बालकों ने कहा प्रहलाद हमारे गुरु भी शंडामर्क तुम्हारे भी, फिर इतनी छोटी अवस्था में तुम्हारे पास ये ज्ञान कहाँ से आ गया? प्रहलाद जी ने कहा ये दोनों मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु तो देवर्षि नारद हैं। मेरे पिता मंदराचल पर्वत की घाटी में तपस्या करने गए, मैं माँ के गर्भ में था तब देवराज इंद्र मेरी माँ कयाधु को उठा के ले गए। इंद्र ने सोचा ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, हिरण्यकश्यपु की पत्नी के गर्भ से देवताओं का शत्रु ही पैदा होगा, मार दें कयाधु को बालक भी समाप्त हो जाए।
और मेरी माँ को मारने के लिए जैसे ही इंद्र ने वज्र को उठाया उसी समय नारायण 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 नारद जी आ गए और आकर के इंद्र के हाथ को पकड़ लिया और कहा इंद्र अपराध ना कर देना, इस बार कयाधु के गर्भ से भगवान नारायण के परम भक्त प्रहलाद का जन्म है, इसलिए छोड़ दो, हमारी आज्ञा है। देवराज इंद्र ने मेरी माँ को छोड़ दिया और देवर्षि नारद मेरी माँ को बद्रीनाथ धाम में अपने गुप्त आश्रम पर ले गए। उस आश्रम में ही मेरी माँ को उन्होंने भागवत धर्म का उपदेश किया और मैंने माँ के गर्भ में रहते हुए उस भागवत धर्म के उपदेश को प्राप्त कर लिया। और जब मेरा जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ तो मैंने नारद जी के ही मुख से सबसे पहले नारायण नाम को ही कानों से श्रवण किया। मेरे गुरु तो देवर्षि नारद हैं, इसलिए मैं तुम सबसे भी यही कहता हूं, मेरे संग मिलकर के नारायण का नाम लो जिससे नारायण से तुम्हारे तार सीधे जुड़ जाए। कहा हम नहीं लेंगे नारायण का नाम, तुम्हारे पिता हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद ने कहा मैं प्रमाण हूं ना, मुझे मारने के कितने प्रयास किए लेकिन क्या मेरा अहित हुआ? कहा नहीं। बोले जो नारायण मेरी रक्षा करने वाले हैं मित्रों, वो तुम सबकी भी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए आओ जरा नारायण नाम का आश्रय लें तो मिलकर के सीधे हमारे तार भगवान नारायण से जुड़ जाएं। किसी ने मंजीरा लिया, किसी ने ढोलक ली, किसी ने झांझ ले लिया और सब मिलकर के भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन करने लगे। तो आइए जरा हम भी एक बार मिलकर के नारायण नाम का संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण।
ताली बजा के प्रेम से भाव से के साथ मिलकर के नारायण नाम का संकीर्तन कर रहे हैं और ये नारायण नाम की ध्वनि महल में हिरण्यकश्यपु के कानों में भी पहुंच गई। क्रोधित होके महल से निकल करके दौड़ता हुआ आया गुरुकुल में, चल रहा है नारायण नाम का संकीर्तन, भूमि पर मुष्टिक प्रहार किया, सो चलता हुआ नारायण नाम का संकीर्तन वहीं बंद हो गया। प्रहलाद का हाथ पकड़ के कहा, हे दुर्वनीत मंदात मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मंचासनुद्योतम नैश्चेत्वाद्यमक्षयम्। हे नीच प्रहलाद, तू खुद तो बिगड़ा हुआ था ही, आज तूने समस्त असुर बालकों को बिगाड़ने की ठान ली, तो अपने हाथों से तुझे स्वयं मार करके आज यमराज के समक्ष भेज दूंगा और तेरे ऋण से उऋण हो जाऊंगा। महाराज प्रहलाद को घसीटता हुआ हिरण्यकश्यपु अपने महल में लेके आया। महल में पत्थर के स्तंभों पर टिकी हुई इसकी सभा, और जब उस सभा में लेके आया, प्रहलाद जी बिल्कुल निर्भय, कोई भय नहीं। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा, ए प्रहलाद, मरने से पहले मुझे इतना बता दे कि मेरे विरुद्ध तुझे भड़काने वाला तेरा नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप ये मत पूछिए कि मेरे नारायण कहाँ हैं, आप ये पूछिए मेरे नारायण कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, यदि तेरा नारायण सर्वत्र है तो बता, क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन अदृश्यते। यदि तेरा नारायण सर्वत्र है तो इस पत्थर के स्तंभ में है। प्रहलाद ने कहा, दृश्यते दृश्यते। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, दौड़ता हुआ आया और पत्थर के स्तंभ पर जैसे ही गदा का प्रहार किया, भगवान नारायण नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हुए।
बोले नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी गौधूली वेला और भगवान नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हुए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यताति अद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम नामृगम न मानुषम। भगवान का मुख सिंह का, शरीर मनुष्य का और नरसिंह भगवान का विचित्र युद्ध हिरण्यकशिपु के साथ चलने लगा। महाराज बिजलियां चमकने लगी, भगवान के नेत्र क्रोध से लाल, देवताओं की भीड़ लग गई, विचित्र युद्ध होने लगा। सभी हाथ जोड़ करके भगवान को देख रहे हैं, लपलपाती लाल जीभ भगवान के मुख के बाहर, और देखते ही देखते भगवान ने हिरण्यकशिपु को उसके महल की द्वार की देहरी पर अपनी जांघों के ऊपर लिटाया और भगवान की दोनों भुजाएं उठी। एक ही बार में अपने दोनों हाथों के नाखून से भगवान ने हिरण्यकशिपु के उदर को चीर दिया। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की, लक्ष्मी इंद्र सिंह भगवान की। हिरण्यकशिपु का अंत भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के कर दिया। लेकिन प्रभु का कोप तो शांत ना हुआ, भगवान को क्रोध आ रहा है, सिंह गर्जना करने लगे बार बार, देवता भी भयभीत होकर के सब देखने लगे। बिजलियां चमकने लगी, दिव्य केसर हवा में लहलाने लगे, विचित्र स्थिति भगवान नरसिंह की। सब देवता स्तुति करके हार गए लेकिन भगवान का कोप शांत ना हुआ। यक्ष गंधर्व चारण विद्याधर देवता ऋषि मुनि विमलात्मा अमलात्मा सब स्तुति करके हार गए लेकिन भगवान नरसिंह का कोप शांत ना हुआ। लक्ष्मी भी चल करके आई भगवान का कोप शांत कराने, और जैसे ही लक्ष्मी ने भगवान को देखा नरहरि रूप में, प्रभु ने की सिंह गर्जना, तो लक्ष्मी जी ने अगली श्वास क्षीर सागर में जाके ली। हाँ, बोले नरसिंह भगवान की। लक्ष्मी ने कहा कि ये मेरा पति, अरे ये तो बब्बर शेर है, मेरा पति ऐसा थोड़ा ही, हाँ बड़े कोमल है मेरे पति, तो चरण दबाती हूँ, थक जाते हैं जब तो हाथों की परछाई से ही दबा देती हूँ। और जब प्रभु का कोप शांत ना हुआ तो श्री ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद ने भक्त प्रहलाद को कहा, बेटा तेरे ही कारण प्रभु ये विचित्र रूप लेकर के आए हैं, इसलिए अब तुम ही स्तुति करो जिससे प्रभु का कोप शांत हो। भगवान नरसिंह आसन पर बैठे और भक्त राज प्रहलाद उनकी स्तुति करने के लिए आगे आकर के खड़े हुए। हाथ जोड़ करके बड़ी ही दिव्य स्तुति श्री प्रहलाद जी ने प्रारंभ की। ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम पुरगुणैर धुनापि पिप्रुः किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते हैं। प्रहलाद जी ने जो भगवान नरसिंह की गोद में बैठे हैं हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ब्रह्मा जी शंकर जी इंद्रादि सब बड़े बड़े देव स्तुति करके हार गए लेकिन आपका कोप शांत ना हुआ। मैं असुर जाति में उत्पन्न एक साधारण सा बालक, क्या मेरी स्तुति से आपका कोप शांत हो पाएगा? आपने कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की कि मेरे मुख से निकले एक वाक्य को सत्य करने के लिए आप पत्थर के स्तंभ से प्रकट होकर के आए। मैंने तो केवल इतना कहा दृश्यते दृश्यते, आप तो वास्तव में ही उस पत्थर के स्तंभ से प्रकट हुआ है। हे प्रभु, मैं यही समझता हूं आपको धन से रूप से कुलीनता से तप से विद्या से ओज से तेज से बल से पौरुष से प्रभाव से बुद्धि से योग से किसी से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप केवल केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होने वाले हैं। आज मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर आप इस रूप में प्रकट हुए, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। भगवान नरसिंह का कोप शांत हुआ, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी।
और अपना वरद हस्त भगवान ने प्रहलाद के सिर के ऊपर रख दिया। ये कमल हस्त जब प्रहलाद के सिर पर रखा तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपने तो कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर कर दी। भगवान ने पूछा, बेटा मैंने क्या कृपा की जरा बताओ। कहा, सच सच बताना प्रभु आप। क्वाहम रजा प्रभा ईश तमोधिकेस्मिन् जाता सुरे तरकुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसाद। आपने प्रसाद के रूप में जो पद्म कर अपना ये कमल हस्त मेरे सिर के ऊपर रखा है, क्या ऐसे कभी ब्रह्मा जी के सिर पर रखा? भगवान ने कहा, कभी नहीं रखा बेटा। क्या ऐसे कभी ही शंकर जी के सिर पर रखा? बोले कभी ना रखा। कभी इंद्र के सिर पर रखा? बोले कभी नहीं रखा बेटा। नवे रमाया रमा लक्ष्मी के सिर पर रखा कभी ऐसे हाथ? बोले कभी नहीं रखा। तो बोले जो कमल हस्त इनमें से किसी के सिर पर नहीं आया वही आपने प्रसाद के रूप में मेरे सिर पर रख दिया, इससे बड़ी और क्या कृपा आप मेरे ऊपर कर सकते हैं। यन्मेऽर्पित शिरसि पद्म करह प्रसाद। भगवान ने कहा, बेटा मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, तुझे बड़े बड़े कष्टों को उठाना पड़ा, मुझे मन में इस बात की बहुत पीड़ा है। देख अन्य अवतारों में तो 9 मास माँ के गर्भ में रह करके फिर प्रकट होता हूं, लेकिन तुझसे मेरा प्रेम ऐसा है कि मैंने 9 मास की प्रतीक्षा ना की, ना ही किसी को माता के रूप में धारण किया, पत्थर के स्तंभ को ही अपनी माता मान करके मैं एक ही बार में तेरे लिए प्रकट होके आ गया। ऐसी कृपा मैंने किसी दूसरे अवतार में ना की। अपनी जीव से प्रहलाद के सिर को प्रभु चाटने लगे, अपना वात्सल्य और स्नेह प्रकट करने लगे। प्रहलाद, यदि मैं चाहता तो मुख मनुष्य का रखता और शरीर पशु का रखता, लेकिन मैंने मुख सिंह का रखा और शरीर मनुष्य का रखा। क्यों? मैं दोनों ही प्रकार से तुझसे प्रेम और वात्सल्य प्रकट करना चाहता था। पशु अपने बच्चे को चाट करके वात्सल्य प्रकट करता है और मनुष्य अपने बच्चे को गोद में लेकर के वात्सल्य प्रकट करता है। मुझे तुझे चाटना भी था और मुझे तुझे अपनी गोद में भी लेना था, इसलिए लिया है मैंने ये स्वरूप। मुख मेरा सिंह का, शरीर मेरा मनुष्य का। प्रहलाद, मांग बेटा तुझे क्या वरदान दूं? प्रहलाद ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यही वरदान दें कि आजीवन में कभी आपसे कुछ ना मांगू। भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद मेरा आना कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए कुछ तो तुझे मांगना ही पड़ेगा। मांग बेटा, क्या दूं तेरे को? आज तो मैं तुझे देने के लिए ही आया हूं। प्रहलाद जी ने कहा, यदि आप प्रभु कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान मुझे दीजिए कि मेरे पिता ने आपसे आजीवन द्वेष किया, आपके हाथों उन्हें मृत्यु की प्राप्ति हुई, उनकी दुर्गति ना हो, बस यही वरदान आप मुझे दीजिए। कहा, बेटा तेरे जैसा पवित्र पूत जिस कुल में जन्म लेकर के आता है उसकी 21 पीढ़ियों को मैं पहले से ही तार देता हूं, तू चिंता क्यों करता है? हम देख तेरे पिता तो 4थी पीढ़ी में है, मेरे पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप के पुत्र तेरे पिता हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद, तेरे पिता को ब्रह्मा जी ने जितने वरदान दिए मैंने उन सब वरदानों को पूरा किया। तेरे पिता को न दिन में मारा न रात में मारा, गौधूली बेला में मारा। तेरे पिता को उसके महल के द्वार की देहरी पर अपनी जांघों पर लेटा के मारा। ना तेरे पिता मरते समय पूरा महल में थे ना पूरा महल के बाहर थे, अपनी जांघों पर लेटा के मारा। ना तेरे पिता धरती पर थे ना आकाश में थे। वरदान के कारण ही मुझे ये नर हरि रूप लेना पड़ा, ना मैं पूरा मनुष्य हूं ना मैं पूरा पशु हूं। तेरे बाप को मैंने ना अस्त्र से मारा ना शस्त्र से मारा, अपने नाखूनों से मैंने तेरे बाप का अंत कर दिया। इनकी गणना ना अस्त्रों में होती है ना शस्त्रों में होती है। तेरे बाप की 13वीं के लिए ही मुझे 13वां अधिक मास बनाना पड़ा। प्रहलाद ध्यान रखना, हाँ
ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में तेरे पिता को मैंने नहीं मारा। तेरे पिता ने जब वरदान मांगा तो ये भूल गया कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मैं नहीं आता, मेरी पलक झपकने मात्र में करोड़ों ब्रह्मा अपने आसनों से बदल जाते हैं। आज मैंने तेरे पिता को अपनी गोद में लिटा करके मारा है, इतने प्रेम से मैंने कभी किसी दूसरे असुर का वध ना किया। तेरे पिता की दुर्गति नहीं सदगति ही है। प्रहलाद, मैं तेरे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं। भगवान नरसिंह ने प्रेम भाव से श्री प्रहलाद जी को राजगद्दी दी और अपने हाथों से प्रहलाद का राजतिलक किया। राजा के आसन को पहले नृप आसन कहा जाता था। भगवान नरसिंह रूप लेकर के बैठे, तब से इस नृप आसन को सिंहासन कहा जाने लगा। भगवान पत्थर के स्तंभ से प्रकट होके आए, तब से सनातन धर्म में मूर्ति पूजा की प्रथा प्रारंभ हुई। ये माना गया कि पत्थर के अंदर भी भगवान का वास होता है, ये प्रमाण है कथा। और भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद प्रहलाद को दिया, प्रभु का कोप शांत हो गया है और भगवान आशीर्वाद दे के वहां से अंतर्धान हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। तो आज की कथा यहीं विराम ले रही है। भगवान नरसिंह का विशेष पूजन हमारी कथा के यजमान करेंगे, विशेष आरती भी होगी। तो आइए, विशेष पूजन यहाँ हो रहा है, तब तक हम लोग प्रेम और भाव से भगवान के नाम का आश्रय लें। ठाकुर हमरे आनंद बिहारी, हम है आनंद बिहारी के। लक्ष्मी नृसिंह भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम। मैं कुछ समय लेना चाहता हूँ, अभी आरती कुछ समय बाद में होगी। पहले हमारे यहाँ आमंत्रित जो भी मेहमान हैं उनका नाम लिया जाएगा। मैं अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित इस विशाल भागवत कथा में आए हुए हमारे सगे संबंधी व इष्ट मित्रों को आप व्यासपीठ पर आकर भागवत भगवान को माला अर्पण कर श्री व्यास जी से आशीष वचन ग्रहण करें। मैं नाम पुकार रहा हूँ, कृपया आप लोग एक एक करके आइए और भागवत भगवान को माला अर्पण कर व्यास जी से आशीर्वचन ले। श्री
सीताराम जी जगनानी, श्री कौशल किशोर जी अग्रवाल, श्री हरीश जी तोदी, श्री प्रकाश जी बजाज, श्री हेमंत बाबू जी बरोलिया, श्री अमोल जी चौखानी, श्री भगवान दास जी केड़िया, श्री पीताम्बर जी अग्रवाल, श्री संजय जी कारीवाल, श्री अनिल जी अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश जी खेतान, श्री शांतिलाल जी धरनीधर का, श्री किशन लाल जी अग्रवाल। मैं अग्रवाल परिवार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि पूजा हो गई है तो आप लोग कृपया नीचे आ जाएं स्टेज से, एक बार आरती के लिए फिर बुलाएंगे आपको। अग्रवाल परिवार, या तो आप थोड़ा पीछे हो जाइए, आरती में समय है। पहले जो आमंत्रित है उनको स्टेज पर आने दीजिए आप। श्री किशन लाल जी अग्रवाल, श्री प्रहलाद जी सिंगरौड़िया, श्री संजय लाठ, श्री कैलाश जी केड़िया, श्री हरि जी मुरारका, श्री विनोद जी भगेरिया, श्री कैलाश जी केड़िया अहमदाबाद वाले, श्री रमेश जी गाड़िया झुंझुनू से आए हुए, श्री राजेंद्र कुमार जी तुलस्यान, श्री आत्माराम जी पोदार, श्री सावल राम जी बाजोरिया, श्री दीन बंधु जी जालान, श्री शुभकरण जी खंडेलिया, श्री जगदीश जी गुप्ता, श्री डी एस त्रिपाठी साहब, श्री ओ पी दुआ साहब। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया आप स्टेज पर आकर भागवत भगवान को माला अर्पण कर व्यास जी से आशीर्वचन ग्रहण करें। श्री ए के गुप्ता साहब, आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप व्यासपीठ पर पधारें। इसके पश्चात अग्रवाल परिवार द्वारा स्टेज पर आरती होगी। वह सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि नीचे से आरती का मौका आप सभी को दिया जाएगा। कल हम बड़ी धूमधाम से इस भागवत कथा में पंडाल में कल सुबह हम राम जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वह सेकेंड सेशन जो 3:30 बजे स्टार्ट होगा उसमें बड़ी धूमधाम से कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाएगा। अग्रवाल परिवार द्वारा जो भी साड़ियां जो लेडीज पहले दिन पहने थे उनसे मेरा निवेदन है कि शोभा यात्रा वाली साड़ियां सभी लेडीज पहनकर आएँ। बाकी बहनों से भी मेरा निवेदन है कि लाल या पीले कलर की साड़ी आप पहनकर आएँ। कल दोपहर के सेशन में हम यहाँ पर कृष्ण जन्म उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइट पजामा कुर्ता पहनकर आने की कृपा करें शोभा यात्रा के। श्रीमती भगवती देवी अग्रवाल परिवार द्वारा इस भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें आए हुए हमारे सभी सगे संबंधी व भाइयों बहनों का अग्रवाल परिवार हार्दिक स्वागत करता है। श्री बालकिशन जी अग्रवाल, श्री सुशील जी अग्रवाल, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल इस कथा के आयोजक हैं। श्री राधेश्याम जी अग्रवाल, आपसे भी निवेदन है। श्री बिहारी लाल जी रुंगटा, श्री बिहारी लाल जी रुंगटा आपसे निवेदन है, कृपया आप भी स्टेज पर आएं। श्री राधेश्याम जी गुप्ता अग्रवाल, श्री सज्जन जी पाटोदिया आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप स्टेज पर आएं। श्री अशोक जी भरतिया, श्री अशोक जी भरतिया आपसे भी निवेदन है, कृपया आप व्यासपीठ पर पधारें। श्री सावल राम जी बाजोरिया आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप व्यासपीठ पर पधारें। अभी कुछ ही समय में आरती होगी, कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप शांति से यहाँ रुके। अग्रवाल परिवार तैयार रहे यहाँ पर आरती के लिए आकर। नीचे आपको आरती का थाली आएगी, आप सभी से निवेदन है कि आप नीचे से आरती कर सकते हैं। यह प्रोग्राम विन केबल के चैनल पर दिखाया जा रहा है। जिन भाइयों और बहनों को लाइव देखना हो वह विन केबल पे सांताक्रूज से दहीसर तक आप लाइव देख सकते हैं। अग्रवाल परिवार कृपया जल्द से जल्द स्टेज पर आने की मेहरबानी करें। आरती की तैयारी।
पंडित जी आरती की तैयारी आप कीजिए। पंडित जी आरती की तैयारी कीजिए आप। श्री इंद्र कुमार जी पाटोदिया, आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप व्यासपीठ पर पधारें व माला अर्पण करें। श्री कैलाश जी शाह, आपसे भी निवेदन है कि कृपया व्यासपीठ पर आए, भागवत भगवान को माला अर्पण करें। श्री देवकी नंदन जी जाजोदिया, जो अग्रवाल परिवार के संबंधी है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि कृपया व्यासपीठ पर माला अर्पण करें। अग्रवाल परिवार कृपया स्टेज पे आ जाए आरती के लिए जल्द से जल्द। हाँ जी, आरती की तैयारी कीजिए पंडित जी। सभी से निवेदन है कि कृपया आरती के लिए आप लोग आगे आ सकते हैं। सभी को नीचे आरती का मौका दिया जाएगा। अग्रवाल परिवार आए हुए सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता है। कल सुबह राम जन्म उत्सव व शाम को कृष्ण जन्म बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाएगा। कल कुछ समय और लेट होगा। सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि कृपया समय निकालकर यहाँ पर आएं। कल कथा और लेट तक चलेगी। श्री राधे। जय आनंद बिहारी, प्रभु जय आनंद बिहारी, तुमको सदाई मनावत, तुमको सदाई मनावत जग के नर नारी। ओम जय आनंद बिहारी। जो कोई भी गाए प्रभु प्रेम सहित।
को सदाई मनावत जग के नर नारी। ओम जय आनंद बिहारी, ओम जय आनंद बिहारी, ओम जय आनंद बिहारी। नरसिंह देवाय नमः। भागवत महाप्रमा पुरुषोत्तमाय नमः। ओम देव हो शांति रंतर के पृथ्वी शांति राप हो शांति रोग उदय हो शांति वनस्पति हो शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हस्ते पुष्पाण्यादय मंत्र पुष्पाजलि हरि ओम। जगने न जगनमय जंत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाकजातकरवीर रसालपुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणो परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः। भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। वेदव्यास भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री नरसिंह भगवान की। आनंद बिहारी भगवान की। जय जय श्री राधे।